अरे ये देखो यहाँ पे मिट्टी। बार बार बीच मारने का मतलब क्या है? एक तो प्रसाद खा गए सारा। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल UKQ इन काव्या। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मेरा ब्लॉग स्पेशल होने वाला है आज का भी, जैसे हमेशा हुआ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम लोग की तैयारियां चल रही हैं आजकल, जो फंक्शन होने वाला है अप्रैल में उसकी। तो फ्रेंड्स, मौसम ने करवट फिर से बदल ली है और पता है मेरे काम डिले हो गए ये मौसम के चक्कर में। मेरे को बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जिसमें मौसम का अच्छा होना जरूरी है। मैंने जैसे ही मशीन चलाने की पर्दे उतार के रखे हैं। पहले आपको देखो मैंने कब से पर्दे उतार के रखे हैं, ऐसे दिन में सो भी नहीं पाए इसे ढंग से, क्योंकि आदत नहीं है ना इतना ज्यादा उजाला करके सोने की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं सोचती हूँ पर्दे धोऊं ये करूं तो बादल लग जाते हैं। अब बादलों को क्या मैंने लगाया है, क्या मेरी गलती है? आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कभी कोई प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग मौसम के चक्कर में या किसी और चीज के चक्कर में चौपट हो जाए? तो मेरे संग हो जाता है ऐसा बहुत। मोस्टली भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं ज्यादा काम करूं, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। हमेशा मेरे संग ऐसी मुसीबतें आ जाती है कि जिसके कारण जो काम करना होता है वो ऐसे दिन पड़ जाता है, फिर जिस दिन सब घर पे होते हैं और सब पे लोड पड़ जाता है। तो वैसे आज हमने जो तैयारियां कर रखी हैं जो होने वाला है अभी बताती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, ये दो कट्टा मिट्टी है यहाँ पर, ये इसको हम आज कूटेंगे और इसको बारीक करके छान के बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा था हम पार्टी पूजा बना रहे थे, वैसे ही हमें ये मिट्टी तैयार करनी है, लेकिन अभी करेंगे थोड़ी देर में। और इसलिए मैंने सारी जगह खाली कर दी है और ये चेयर्स यहाँ पे लगा दी है। और यहाँ देखिए मौसम ऐसा हो रहा है धुंधला, जैसे मैं काम करने की सोचती हूँ मौसम बहुत खराब हो जाता है हमेशा की तरह। आज भी वही हो रहा है हमारे साथ। तो मैं मशीन लगाने जा रही थी तो मैंने देखा कि मौसम का थोड़ा सा हाल देख लूँ तो लग रहा है कि मौसम में बारिश का आसार है, लेकिन कपड़े तो मैं धोने ही धोने, आज चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बारिश आए। और डायलॉग मार दो म्यूजिक। तो गाइज, आज आंधी तूफान बारिश कोई मुझे कपड़े धोने से नहीं रोक सकता और ना मशीन लगाने से रोक सकता। ठीक है, हो गया डायलॉग पूरा। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बोलिए आप लोग है, बोलिए माइक हमारा ऐसे, हाँ माइक होता है। तो मैं बोल रही हूं, तो आशी बोल रही है कि वो नूब है आप। और नूब तो आपको पता ही है क्या होता होगा, नूब मतलब क्या होता है पता है? नूब माने होता है बहुत अच्छा क्यूट सा और प्यारा सा इंसान। शाबाश बेटा, इसलिए मुझे हमेशा ये बोलती है, पता चल गया नूब माने तुम सब नूब हो इसलिए। तो गाइस, आप लोग भी नूब हो इसलिए। हाँ, ये मिट्टी कूट रहे हैं हम लोग अभी, इसको फिर छानना भी हमने। ये मिट्टी कूट रहे हैं दीदी है, ये दीदी, और इसको बारीक करना है, पीसना है, छानना है, और इससे क्या क्या कार्यक्रम होता है वो आप कार्यक्रम में ही देखेंगे। मुझे बेजी बनानी है अगर जानते होंगे तो आप लोग। देखो फ्रेंड, ये दीदी दाल बीन रही है, ये है मांस की दाल, उड़द की दाल, और कर चुके हैं हम लोग बाहर का काम, हम अंदर दालों का काम चला थोड़ी देर, दाल वाल बनाई है। तो पर्दे भी धुल रहे हैं मेरे, नहीं मैं दो तीन बार क्यों कितने राउंड चलाऊंगी, एक साथ थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, अब फिर शुरू करूंगी। अभी पर्दे धोके रख दूंगी सारे और इतने हो गए हैं। अरे आप थोड़े आज धो, थोड़े कल धो ना, आज ही थोड़े। हाँ, इतने जितने उतारे उतने अभी दूसरा राउंड लगा लेती हूँ, अभी शाम तक क्या है। Few inches later. तो फ्रेंड्स, अब कर रहे हैं पोर्च की सफाई, क्योंकि पोर्च हो गया था मिट्टी से गंदा और अब चल रहा है पोर्च की सफाई का काम। तो आई हुई आपको बताई होगा, तो तुम दीजिए जी आई है जी, आप बता नहीं अभी तक दिखी नहीं है शायद। तो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं मैगी जल्दी में, क्योंकि यही बन पा रहा है, हम लोग सब काम में बिजी रहे। अभी हमारी पत्ता गोभी वाली मैगी बन रही है, देखो मैंने कितनी अच्छी पत्ता गोभी भुनी है, ये देखिए टेस्टी सी पत्ता गोभी। और वो मूंगफली भी खाऊंगा कह रहा है, मूंगफली खत्म हो गई है, मूंगफली खत्म करके मैगी खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। काम तो हमारे पास पूरे दिन खत्म नहीं होने वाले हैं और 3 बजने वाला है। और ये लोग टीवी देख रहे हैं, घर सारा बिखर गया है, खराब हो गया है, ये इसमें पर्दे पड़े हैं, मतलब क्या हाल दिखाए घर का। ये सीढ़ी पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि हमने सुबह से घर सही नहीं किया, और ये सोचेंगे कि कोई काम नहीं किया आके, हमें ऐसा ही सोचेंगे, इनको लगेगा कि कुछ काम हुआ ही नहीं है घर में, जितनी अव्यवस्था फैल चुकी है। उनके आने से पहले मुझे एक बार व्यवस्थित करना पड़ेगा, आपको दिखाऊंगी कि मैंने व्यवस्थित भी कर लिया है घर। हाँ, तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन ये आंधी तूफान का मौसम देखिए ऐसा बन गया है, आंधी वाधी जैसा हो रहा है और बारिश जैसा मौसम हो गया है। और इसमें मौसम जब भी मैं काम करूँ तो खराब हो जाता है, फिर मेरी क्या गलती है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना मौसम बिगाड़ो, वहाँ बादल लगे हैं भयंकर काले बादल वहाँ से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, धुंधला मौसम हो चुका है पूरा और काले बादल हो रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब आम है ना, इस पर इतना सारा बौर आया है, अभी आंधी वगैरह से बौर झड़ेगा, पक्की बात है कि आंधी से बौर।
बहुत झड़ता ही है, और मेरे ये कपड़े तो धुल गए थे, छत पे भी मैंने पर्दे डाले हैं और यहाँ भी कपड़े धुल रहे हैं बहुत सारे, और लेकिन सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे, अभी पूरी तरह से सूख नहीं पाए जबकि मैंने समय से ही धो दिए हैं और फिर भी नहीं सूख पा रहे हैं कपड़े। तो बस आशी को मैगी नहीं मिली और सबको मैगी मिल चुकी है, आशी बिना मैगी की रहेगी, है ना? क्यों आशी? कुछ नहीं बोलेगी इस समय, ये बोलेगी नहीं कुछ। वरना अच्छे खासे जवाब देती। आशी की मैगी बन रही है क्योंकि आशी ने कहा सादा मैगी खानी है तो उसके लिए सादा मैगी बन रही है, बाकी उन्होंने पत्ता गोभी वाली मैगी खाई है वेज, और ये खाएगी सादा मैगी तो इसके लिए मैगी बन रही है। तो अब हम मैगी खा लेते हैं, ये मेरी मैगी। देखो 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 देखो, पहले इसने साफ साफ कहा कि ऐसी मैगी नहीं खानी है, वरना मैं नहीं खाऊंगी, वरना मैं पहले क्यों नहीं माना? मान तो लिया, बन रही है तो पहले। ये देख कितनी शांत रहती है, पहले ही बोल रही थी। इससे कुछ सीख, कितनी शांत रहती है, कितनी स्माइल रहती है इसकी फेस पर। लेटर। तो गाइस पूरा दिन इतना घर में काम था, उसके बाद में शाम को जुम्बा आई हूँ क्योंकि मुझे जुम्बा आके थोड़ा रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके, तो इसलिए मैं जुम्बा क्लास आ गई हूँ। और अभी आधा घंटा हो भी चुका है लगभग, आके नहीं आधा घंटा, हाँ लगभग हो चुका है अभी, तो मैं एक घंटा एक्सरसाइज करूँगी इतने काम के बाद भी, उसके बाद मैं जाऊँगी घर। घर पर तो आपको पता है नॉर्मल रूटीन वर्क होगा ही होगा, और रूटीन वर्क तो करना ही सबको पड़ता है। अभी हमने जुम्बा डांस वगैरह किए हैं, कल तो कार्डियो हुआ था, कार्डियो मुझे बहुत कम इंटरेस्ट है क्योंकि कार्डियो में थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कार्डियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ और मैं डांस वगैरह में ज़्यादा रहता है। अभी फिर कार्डियो शुरू हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बोरिंग लगता है, कार्डियो करना पसंद ही नहीं है मुझे, मेरे को मन करता है डांस ही चलता रहे, चाहे मुझे आए चाहे ना आए, लेकिन शौक होता है तो मैं डांस का बहुत शौक है। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी, थोड़ा डार्क सेक गए हैं और ये अभी बैटर पड़ा है, ये पड़ा है, और मैं आजकल ना इसमें चॉप करती हूँ, इसमें टमाटर चॉप कर रखा है, और ये देखिए कितना अच्छा इसमें प्याज चॉप होता है चॉपर में मेरे, और चाय बनाई थी आशी ने, चाय का फ्राई बिन यहाँ रख दिया है, इसको यहाँ डाल देते हैं। मेरे को दो फ्राई बिन धोने पड़ेंगे आज, कल से वो भी नहीं आएगी, काम वाली दीदी भी छुट्टी पर है, वही कोफ्ते बन रहे हैं मेरे। अब देखते हैं आशी को, आशी क्या कर रही है सबको दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ आशी और गुनगुन खेल रहे हैं कंप्यूटर पर, और ये गुनगुन आजकल रोज कंप्यूटर पे कहती है घुसा दो इसे और बाहर निकालो, इसी काम में थक जाते हैं हम लोग तो। आशी ने कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए, ये देखो आज ये आया है, इसको पहन के दिखाऊं मैं, चलो दिखाती हूँ। हाँ तो फ्रेंड देखो ये मंगाया आशी ने, कैसा लग रहा है आपको? आशी को भी दिखा के आती हूँ, आशी क्या कहती है, रिएक्शन देखते हैं आशी का कैसा है, उसे कैसा लगता है। आशी ये देखो, क्या मेरे को देखो, सी मी, वाओ तेरे, तू पहनेगी कि मैं पहनूंगी? अब ये मैं पहनूंगी। अच्छा ये तेरा है, प्यारा लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स आपने ना चॉपर में मतलब इसमें आपने नॉर्मली प्याज लहसुन वगैरह और टमाटर ही चॉप किया होगा, लेकिन आज मैंने जो कोफ्ते बनाए हैं इतने टेस्टी से और सच में बहुत क्रिस्पी हो रहे हैं इस स्टाइल से बना के, जो मैंने ये कोफ्ते बनाए हैं उसके लिए लौकी मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें चॉप की है तब बनाए हैं, और तब उसमें लौकी ने पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ा और बहुत अच्छी चॉप हुई और उससे बहुत अच्छे टेस्टी कोफ्ते बने हैं, और ज्यादा अच्छे बने हैं, और दिन से भी ज्यादा मतलब मजा आ रहा है खाने में। मैंने अभी मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि इतने टेस्टी बने हैं, और ये इसको इतना लालच आ रहा है, बार बार आ जा रहा है खाने, ले ले चलो ले ले, पूरे नहीं ले ले मतलब थोड़े और ले ले भाई, ऐसे थोड़ा लेते हैं रुजा, लेकिन एक प्लेट का जिस प्लेट में दिया था मैं बार बार तेरे बर्तन लगा दे रहूंगी, धोने नहीं, कल वो भी नहीं आने वाली है कपड़ा दीदी, बता दिया मैंने, कल कौन धोएगा बर्तन, फैसला कर ले पहले आज ही से, आज ही नहीं धो पाती बर्तन, उसे कुछ नहीं आता, रोटी सिखा दो इसे आज, आज ही पापा कह रहे हैं रोटी तेरे हाथ की खानी है, क्यों तू नहीं खाएगा उसके हाथ की, बहन के हाथ का खाना तो और अच्छा होगा। तो अभी आशी को ले नहीं ये खा, थोड़ा गरम 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 वाले तू, नहीं नहीं मैं थोड़े गरम है थोड़े नॉर्मल ठंडे, थोड़े नॉर्मल थोड़े ठंडे। तो फ्रेंड्स आशी और मेरे में सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है अभी,
और जज है ये अभी जज करेगा हम लोगों को देखते हैं तो पहले ये गाएगी क्योंकि मुझे लाइन याद नहीं रहती बिकॉज ऑफ लाइन याद नहीं रहती मुझे ये गाना पहले शुरू में नहीं जहाँ से जितना आता हो मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सोने मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं सारी तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा अपने आज अपने मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा लगदा ना जिया तेरे भैया सिंगिंग कॉम्पिटिशन सच में इतना सीरियस नहीं लिया रहा है देख सकता नहीं मैं तेरे आंखों पे खामोशी तुझे मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा दर्द ना जिया तेरे बगैर तू माए मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा तो गाइस मैंने बहुत अच्छा गाना गाया और इस कंपटीशन में मैं अपने आप ही विनर हो गई हूँ अभी फिलहाल विनर मैं हो गई हूँ विनर इज मी आई मर जाऊंगी ऐसे तो छोड़ गला दबा देती है दूसरी बोली तो गाइस आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं आज हमने बहुत सारे काम किए उसके बाद मैं जुम्बा भी गई और उसके बाद आके खाना भी बना रही हूँ उसके बाद भी लोगों को शिकायतें रहती है मेरे से तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए क्योंकि इंसान को एक कोई कोई होता है जिसको सिर्फ कमियां नजर आती हैं तो गाइस मैं तो कमियों का खजाना बन चुकी हूँ सबकी नजर में और ये अपनी ये बार बार यहाँ आना चाह रहे हो कि नहीं आना चाह रहे हो कहना क्या चाह रहे हो बार बार बीच में आने का मतलब क्या है एक तो प्रसाद खा गए सारा मेरा भी हिस्सा बनता है उसमें अभी बचा हुआ देखो गाइस कैसे खा रहे हैं ये देखो सारा खा गए प्रसाद मेरे हिस्से का भी सिर्फ बताशे बचाए क्या मैं बताशे खाऊं मैं इतना मीठा